संताकारं भुजग शयनं पद्मलाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम संध्या समय भक्तों अनुभूति को आपण मान स्वागत करुच्ची। सिंहद्वार दर्शन आपण करुचंती, सिंहद्वार परिवेश देखुचंती, टिके निरोला निरोला शांत शांत नीरवता नीरवता लगुच। कारण महाप्रभुंकर जेतेबेले अनवसर चली थाए से समय ही सिंहद्वार कौन श्रीक्षेत्र कौन प्रत्येक मन नीरवता आसी जाए थाए। कारण जगत ब्रह्म जी निजे विश्राम करिचंती, केही आउ चलचंचलता मन नथिबो, समस्तंकर स्थिर भाव आसी थाए, नीरवता आसी थाए, ये भाव गोटे आसी थाए, अनुभव आसी थाए सिंहद्वार मुहरे, ताही आमे अनुभव करुचु आपण मध्ये देखुचंती। तेबे जाउ भक्त किंतु श्रीक्षेत्र को आसिबे प्रभुंक दर्शन पाई, प्रभुंकर मंदिर को परिक्रमा करिबा पाई, पटिदेवंकर दर्शन करिबा पाई मन भितर भक्ति विश्वास रहिछि सेई भरी भाव रे। तेणु अनुभूति कार्यक्रम आपण मानक पाई संध्या समय आरंभ करिबा। भक्त अछंती भक्तिर कथा हृदय कथा को कौन अनुभव वर्तमान अनुभव निरा अनुभव सब अनुभव आम करिबा भक्तंकर से अनुभूति कथा रे। स्वागत करिबा प्रथम भक्त को आपण को सम्मुख को। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण को ना टिके कहिबे कोठु आछन? मु आज्ञा नयागढ़ जगन्नाथ प्रसाद आछी। मो ना चिंतामणि साहू। आज्ञा नयागढ़ रु आछी पहुँची गले भल समय रे आसी चंदी। कारण यही समय अनवसर समय होउछि प्रकृत समय महाप्रभु सहित आत्मीयतार भाव जोड़ीबा पाई। खाली आसीगले आत्मीयता भाव महाप्रभु प्रदान कर देबे। कौन कहिबे दर्शन सारिक फेरी चंती ना दर्शन करिया कुछ अभी बर्तन जाउ छी सदाळे तो दर्शन हो छी हेले पटिदियन दर्शन करिया पे टिके मनडा बहुत लागिला सेथि स्वामी स्त्री टिके पळि आसी पटिदियन दर्शन करिया पे एवं आज की 10 वर्ष होला लागिला कि आसी दर्शन भी तो मिलु नथला आज दर्शन टिके करकि जीवा पे जगन्नाथ आशीर्वाद रु नयागढ़ रु सुदूर रु आसी आसी पहुंचि जाइ छथि। सब बेले दारु ब्रह्मंकर दर्शन हुए किंतु पटी ब्रह्मंकर दर्शन 15 दिन ही थाए। से पटी ब्रह्मंकर दर्शन मन भितर अभिलाष रखी आसी पटी ब्रह्म को दर्शन करिवे ता भितर अटकी गले सिंहद्वार भक्त अनुभूति किसी कहवापी कौन कौदिन अनुभव करते से दिन मन रखी से अनुभूति रही पूरी आसिकी बेपार करी विश्राम करी ये घर भड़ा ने भी बहुत चेष्टा करी हेले बहुत थर फेरी फेरी जाइली थे जगन्नाथ मंदिर भितर को जा दर्शन करने जगन्नाथ मंदिर मत कह दर्शन हो पार नहीं लेकिन जन ब्राह्मण आसी कहले ना ना दर्शन हेनी कहीं हम तापर मुझे नड़िया टे ठाकुर को दे से वृद्ध ब्राह्मण जन को से पाखे नड़िया टे दर्शन कली ठाकुर को मुंडिया मारिक उठला बेलू आउ से ब्राह्मण जन को भी देख लिनी से जगन्नाथ आशीर्वाद रु मैं चार खोजिली मो नड़ियाटा थुआई हेले से प्रभु आउ ना मुझे अनुभव करी से दिन आसी पिला पाठ पढ़ापी ये पूरीर मटीआपड़ा छक रही आज टे पटिदेव दर्शन करने स्वामी स्त्री पलि पटिदेवर दर्शन करेंगे निश्चित मन भितर रही जो अनुभूति कथा कहते आसी दर्शन करने को कई जन कह बर्तमान दर्शन हम ना बंद थी दर्शन ना एमती पूरी रो फेरी पूरी रही मुझे आशा करी बोली आसती गोटे कौटी भड़ाभड़ी कर रही पिला गुजरण मेटापी से मत दर्शन मिलिया परे एमती पूरी अनेक जगार घर भड़ा टे खोजे मिललानी मत डाक जड़े बुढ़ी ब्राह्मण घर टी जगन्नाथ दर्शन फेरियापर डाक घर टी दे आज पर्यंत 7-8 वर्ष होगा से घरटार मुझे रही पाने पाठ पढ़ुं प्रकृत में जो मंगलमय ठाकुर महाप्रभु महाप्रभु को दर्शन करके जेकोसी कार्य करने को गले मंगल ही था सिद्धि ही था आपण घर खोजुले श्रीक्षेत्र रे व्यवसाय करेंगे गुजरण मेटेबे आपणकर परिवार धरी रे तार व्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था सहित महाप्रभु आपण को 7 वर्ष होगा पूरी में रहबार सुजोग दे सी पाने पाठ साठ पढ़ी अच्छा प्रभु दया पुओटी जूनियर टीचर सिलेक्शन प्रभु कृपार पुओ माने जेते बेले मनीष हो जाती कूलर लगि जाती बाप खुशी हुए आतीक बेले प्रभु को चिंता करे प्रभुंर कृपा को चिंता करते प्रभु आपण नथिले मो पुओ कूलर लगि न था आपण जेते बेले पुरी रे नथिले प्रभु को आसी कहले पुरी रे रहिबा पई प्रभु रखिले 7 वर्ष होला आपण कहते रही 7 वर्ष भितर
केते थोर आसुछन्ते मंदिर ना समय मिलिले आसत ना समय मिलिले प्रति मास रे दुई चार थोर आमे मंदिर को आसु समय बाहर करकी जेते प्रभु को दर्शन करिया को मन होए मु ओडी जे साधारण ऑटो ड्राइवर मु ऑटो फोटो थोइकी प्रभु को आसी दर्शन करकी जाए कर्म भितर भी आप प्रभु को टिके मन रखिबार सुजोग महाप्रभु देइछन्ते से शक्ति ए भावना प्रभुंकर भावना मन भितर टिके रहिले आपण देखुछन्ते जे सब किछि चालीछि ठीक ठाक सब आज्ञा से जगन्नाथ आशीर्वाद रु आज पर्यटन मु बहुत जो दुखमय संसार थिले जगन्नाथ आशीर्वाद रु एडी आपण मान आशीर्वाद रे मु भल रहछि प्रभु आशीर्वाद कहते समस्त आशीर्वाद करदेवे दुखमय संसार रु सुखमय संसार होइछि आपणकर हौ से सुख पाई आनंद पाई आमे प्रभु पाखु आसी था धन्यवाद देवी अनुभूति पाई गोटे संक्षिप्त पांजी टी आपन को प्रदान करूँ जय जगन्नाथ दुख संसार सुख संसार भल मंद दुख सुख सबू रही दुख को ग्रहण करने को प्रस्तुत कई ना कारण दुख ही कष्ट था दुख ही जंत्रणा था दुख ही सबकि अभाव अनटन अनुभव देता है तेणु जिते जल्दी दुख जाऊ प्रभु समस्ते प्रार्थना करती कि प्रभु भी जिते जल्दी दुख लाघव करने से तत्परता मन भितर खाली चिंता करती किए दुखर कथा आसी कहूँ एमते अनेक भक्त अच्छा स्वागत करने अनुभूति नहीं आपण सम्मुख को आसवे जय जगन्नाथ आपण ना टी कह कौट आस रवि नारायण दास कटक रु आस कटक निज घर सी पाखे अरडिया पुदा बोली गाँ आम अच्छी मुझे कटक रोच कटक रहीगले कि पखापाखि ये रही पूरी आसवा आज स्थिर कर घरे कौन कथा पड़ा जे आज कथा झीर बहर स्थिर हो जाइए तेणु आज जी अनुकूल होता से हिसाब से कार्ड आ ठाकुर को निमंत्रण करने वर्तमान झीर बाहर मांगलिक कार्यक्रम करेंगे घरे मंगल कार्य हम मंगलमय ठाकुर आसिले वर्तमान ठाकुर असुस्थ तथापि महाप्रभु असुस्थता भितर भक्तंकर गुहारी शुणती भक्तंकर निमंत्रण रक्षा करती ए विश्वास अच्छी हाँ अनेक ठाकुर बहुत भरोसा अच्छी मोर बहुत विश्वास अच्छी ठाकुर ये विश्वास देवता निश्चिंत ठाकुर बहुत किसी करती हाँ ठाकुर सब जानते ठाकुर के मनर कथा सब कथा जानती सी जोड़ी था मनर कथा प्रभु जाणी जानती मनुआ ठाकुर आपण झीर निमंत्रण बाहागरर निमंत्रण करने को आसी करे तो निश्चित कहीं नहीं आम समस्ते सी निमंत्रण नहला पर्यंत आम क्या निमंत्रण पत्र दे न था ये प्रति ओडियार भावना भितर रही था तेज जो आसी भक्त कथा चिंता करी अनुभूति कार्यक्रम कौन कौदन आपंकर अनुभूति रहा से अनुभव है जोटा कि भक्त मान कह चिंता कले ना कह पड़े नहीं मु कहिबा कथा जो प्रभु मु बहुत बड़ बड़ विपद रे पड़ी आउ सही समय रे मु प्रभु को डाकी तार माने निराकरण एवं मु से विपद रु माने अल्प के उद्धार पाई जाई सही जो विपद रु उद्धार पाइले अल्प के तार निराकरण करिसेंते महाप्रभु बड़ बड़ विपद से आपण को भितर रखी देले किंतु सेइटा ही अनुभूति आपण कर सेइटा टिके प्रकाश करम हां थरे मु मने अछि मु राजपथरे गला बेले से गोटे गाड़ी आक्सीडेट रुखीन है हाँ से कि हटात मुझे देख ली जे आम मोर कि मैंने आम भी जो मैंने भी गाड़ी रे थिलु से गाड़ी रे आम देख लु कि आमर है कौटी का सहित किए किए जाते कौथर दुर्घटना है समय को सूचना देना हाँ से आम अफिश्र सब बंधु मैंने सब एकाठी जाऊ से राजपथ रमर दुर्घटना होता किंतु प्रभु दया आमर किसी नाला ये गोटे कथा आप चिंता करते दुर्घटना कथा से विपद कथा आ गए भल कथा चिंता कले अनुभूति कहले समस्ते आसुचान दुर्घटना दुर्घटना तो कही हेन केत कौन हम प्रभु गोटे थर पाई ना आहरी अनेक थर पाई अनेक थर अनेक थर अनेक थर मुझे तो जहाँ चिंता कर प्रभु को पिला मान पाठ पढ़ा पिला मान चाकरी अन्न्य प्रभु को जिते जहाँ जनई अचीरे से सब जिनस कि मानते कौन सी बाधा विघ्न होनी मान प्रभु से सब सब प्रकार मान ये हासिल कर हासिल हो जाने पिला ठीक से लग जा कि असुविधा है दया करुण सबकि दया करुणा जीवन रलापथर जहाँ बाधा आसी था विघ्न आसी था विपद आसी था सबकि समाधान करती
ଆପଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପାଞ୍ଜିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭାଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆସିଥାଏ, ଶୁଭ ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ବି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣିକି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ବି ଭକ୍ତକୁ କେବେ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଅନୁଭୂତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଧାମରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥାରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେତିକି ଅନନ୍ତ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ, ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଭକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କହିବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶାଶ୍ୱତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। ଖାଲି ତାପସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା? ଶାଶ୍ୱତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପାଟକୁରା ନଗରପଡ଼ା। ଶାଶ୍ୱତ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତିଟି କ'ଣ କେଉଁଦିନ ଘଟିଲା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା, ସବୁ ବୁଲିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ନ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା, କେମିତି ନ ହେଲା, ଆଜିର ଅନୁଭବ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଥା କହିବ, ଅତୀତର ଅନୁଭବ ହଉ, କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ଅନୁଭୂତି ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମୋର ଏଇଟା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲି, ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବି, ଘର ଭଡ଼ା ସବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶା ଯେତେବେଳେ ତୁଟିଗଲା, ହାତ ଟେକିଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେଇ ଦୋକାନରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋର। ସେଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏଇ 15-20 ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନରୁ ଲୋକ ଯାହା ହଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଉଥିଲେ, ମୋର ଆଶା ଥିଲା ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୟାରୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଭାବନା, ଏ ଚିନ୍ତା କାହିଁ ଆସିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରି, ଆପଣ ତ କର୍ମ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ମୋର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଏ ଭାବନା କାହିଁକି ଆସିଲା? ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କେବେ ପୁରୀ ଆସିନଥିଲି, 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି ମୁଁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିଯିବି। ସେଇଠୁ ରହିଲି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଛି ତ ରହିଛି, ରହିଗଲି ଆଉ, ଆଉ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏଇଠି ସେ ଜନ୍ମ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୀରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଛି ତାର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରଭୁକୁ ରାତି ପାଇଲେ, ରାତି ହେଲେ କହିବି, ସକାଳ ହେଲେ କହିବି, ଏଇପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନ କରି ହିଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଯିବି ମୁଁ, ପ୍ରଭୁ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀରେ ଆସି ରହିଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ପୁଣି ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ସହିତ କର୍ମର ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିବେ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖିକି ଆସି ମିଶିଗଲା, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଏ ପୁରୀରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କେଉଁ ଆଇଟିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଇଟିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଠି ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ହଉ, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତି ପାଇଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି, ଦର୍ଶନ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବସୁଥିବି, 22 ବାଜେ ଗଢ଼ୁଥିବି, ଏଇ ହେଲା ମୋର ଏତିକି। ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛି, ଏ ପୁରୀରେ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଘରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘରେ ବାପା ବୋଉ ସମୟ ହଉ, ତୁ ଯେଉଁ ତୋଥିରେ ଖୁସି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନ ହବା କାମ ପ୍ରଭୁ କରେଇଦେଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାହାରୁ ଆସି ପୁରୀରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ନ ହବା କାମକୁ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି କେଉଁଦିନ
कामटी पार ना नहवा कम को महाप्रभु करदे से गोटे अनुभूति कहना से दुकान कथा से दुकान हबार चान्स बिलकुल ना आशा भांगी जाइए तापर रात घर को पलिता तापर सका खबर आसला तू जल्दी आ ये तेज जगह दिजाव मुझे सांगे सांगे महाप्रभु मुंडिया मारी गली देख ला मोर होगा कह तू ये दुकान कर छोट से नौ महाप्रभु डाक आज्ञामा नहीं दुकान आरंभ कर हाउ प्रभु को आज्ञा को आप पालन करूँ विश्वास प्रभु को नहीं आपण जीवन रलापथ को आगे सेमती चलतु धन्यवाद देवी आपण को अनुभूति पर गोटे संक्षिप्त पांजीटी आपन को जय जगन्नाथ टीवी पक्ष प्रदान करूँ जय जगन्नाथ प्रभु को नहीं मो जीवन आरंभ करी प्रभु को नहीं मो बेपार आरंभ करी प्रभु को नहीं मोर संसार आरंभ करी प्रभु को नहीं मोर सफलता आरंभ करी सब मूल प्रभु जे विश्वास को रखि था जे कही था से निश्चित भाव प्रभु को विश्वास करी कही था आनेक भक्त तो अच्छा जनक पर जड़े भक्त मैंने शुणी भक्तिर कथा पुणी चिंता करती प्रकृत में आम आम अनुभव कथा कहबू आम भक्तों पर जय जगन्नाथ ना टे कह कौट आ मो ना धूणचंद्र पात्र मु जगत सिंहपुर एरसमा ब्लक जंपा पंचायत रु आसी अछि जगत सिंहपुर एरसमा जंपा पंचायत कौन करछन्थि आपण आज्ञा मु एठे गोटे होटेल रे अछि बहुत दिन हेला आसी अछि बोली बहुत चेष्टा करथिली किंतु केबे जगन्नाथक रूपर आसी पा नथिली तांका दया हबरु आज आसी दीर्घ तीन वर्ष हो गला एठे सबले आसी तांका दर्शन करछि एक कति गोटे बड़ भाग्य विषय तीन वर्ष होगा पूरी रे आपण रहीगले से कथा कहला बेलू आपण कांदा आसुच कोह आसुच प्रकृति रे स्थान रे जो माने रही जाती से प्रभु चाहिए ही स्थान रे से रखिए ना रही पारे दया आज भी भल भाव चिके चलाबूल करुच्ची कर सब कि मो दुख दुर्दशा विपद रू उधार कर या भितर भी तीन वर्ष भितर दुख दुर्दशा आपणकर आसीगला कौन है कौन दुख आसला केमी कष्ट पाइले से कष्ट केमी महाप्रभु वर्ष तले बहुत मोर दुख दुख रही कोड़े वर्ष ते गोड़ जो विंधा चिठी होता प्रभु दया विंधा चिठी होती ना एवं टे चली पार सब कर ना प्रभु को डाक भल रूप चली पारि टे मन वंछा पूर्ण करपटे सब जनाऊँगी ये बहुत दुख आपण असुस्थ केवल गोड़ हाथ आपर बिंधा बिंधि हो सब से प्रभु दया सब जा कि आई बहुत दुख रही आगे हूला केमी भल होगा केमी दया प्रभु कले प्रभु दया कह ठीक आसी आज्ञा जो भाई भाईटा मेडिकल पड़गली कहली आठ कौट जगह जापर ना मो छुआ हईराण हो प्रभु इच्छा केमी दया है से सब ठीक आने से दिन मुझे रही प्रभु को जो कहले हाईटेक आप पढ़ी सेमती असुस्थ हेले बोली हाईटेक जावाक पड़ा आप हाईटेक केर्ष रही हाईटेक मुझे बर्षे थी गोटे जगार रही सिक्यूरीटी गार्ड करी मेडिका रही गोटे वर्ष मेडिकल ना मेडिकल नी गोटे जगार रही से जगह करेन्ट भाया झाके मारिदे गोड़े आउ उठी पारे टोटाल से प्रभु को चिंता कल प्रभु कौन मत एम सब कर कौन करी मो छुआ बचे कमी कौन करेंगे जहा प्रभु दया से आस्ते आस्ते सब भल ही आसूस ये मोर प्रार्थना आज किसी कह कौन कर बर्तमान आप होटेल रही मानने गाड़ी फाड़ी जोज कर कर्म भी ये पाई सहित प्रभु को पाई रहीबार सुजोग महाप्रभु देते खुशी अच्छा आप खाली धन्यवाद धन्यवाद जगन्नाथ को हाउ अनुभूति गोटे संक्षिप्त पाजी के प्रकृति में जी क्षेत्र को चिंता कर पारती सी जिते रही जाती से भावती आम कौ जन्म कौन करूँ महाप्रभु आमको टे कृपा कले करुणा कले श्रीक्षेत्र स्थान दे जो श्रीक्षेत्र स्थान पाइबापी श्रीक्षेत्र बास पाइबापी श्रीक्षेत्र रही भाविपारि न था जोटा हो जाए आश्चर्य लगे और प्रभुंर कृपा करुणा दया को सी कहला बेले भी कांदी पका आसतु आहरी जड़े भक्ता अच्छा अनुभूति कथा आज कार्यक्रम मध्यम आपण जीव स्वागत करवा से भक्ता जय जगन्नाथ ना टे कह आपण आठ आसी भक्त मैंने सेपटे अच्छा ठीक मो ना सस्मिता मत इतु डाकती जय जगन्नाथ समस्त को मु बहुत खुशी आज मुझे तो टी रे देखे आज आसी सीधा आपण को देखु आपण को देखिकी भी बहुत खुशी आनंद अनुभव करुचु
आ जगन्नाथ जगन्नाथ कथा आम कौन कहू देखी देखिक उत्साह हो जगन्नाथ कथा कहवापी आम जगन्नाथ अच्छा आम अच्छु भक्त भगवान भगवान भक्त मु तो प्रति मुहूर्त मानने बाहा म्यारेज करोर 28 इयर्स कम्प्लीट है मो निर्माल से ही दिन ठूँ खाए यही आप जानुवे मो जगन्नाथ को केते भल पाए एथिरे मोर अनुभूति भी बहुत अच्छी मुझे गोटे छोट अनुभूति कहि मो कोरापुटर हजबैंड जॉब करते आम से रोलु आम जो वर्ष आसलू आज के 10 इयर्स हो गला आम आसीचु मु कहली प्रभु मु जाई पारुनी आपणकर मानने सीधा प्रसारण मैंने आम देखु टीवी रे रथयात्रा समय रे मुझे अधरपणा होटा हूँ कोरापुटे एत वर्ष रही आउ भगवान से पणा आसिक मो पार्टी पड़ी जाता कि मैंने आपत विश्वास करें दि सेकेंड पर मो आखि बंद हो जाता आखि बंद थी टी चली ठाकुर अधरपणा आसिक मो पार्टी पड़ी मो पार्टी मिठा हो गला मो आखि बंद होता मो पार्टी पूरा मिठा हो गला हटात आखि जमी खोलि कौन मुझे देख ली स्वप्न देख ली ना सतरे पूरा रथ रु पूरा पणाटा आसिक मो पार्टी पड़ा एटा मोर बहुत बड़ अनुभूति आउ भी बहुत किसी अच्छी जगह जो घटना टी आप अनुभव क्या कहते अनुभूति स्वप्न सब देखु स्वप्न दि सेकेंड पर आखिटा बंद हो गला दि मिनिट पर आखि जिते बड़े खोलि मत मानने मो पार्टी भी गोटे 10-15 मिनट जाए मिठाटा रहा मिठा रहा जगन्नाथ मो मुहर पूरा नाचिगले बहुत मु किंतु जेतेबेले सीधा प्रसारण देखुले केमिति से पणा को पाइबे बोली चिंता करितले से 2 मिनिट होना काई कि आपण आखि बंद करचंती स्वप्न राइज को चली जाइचंती से स्वप्न माध्यम रे महाप्रभु आपण को पणा भी दैचंती आपण अनुभव करूची पाटी मीठा निश्चित भाव रे रहउची ये तो ओटे नियारा अनुभव माने अनुभव अनुभूति भिन्न प्रकार रहै हां हां जगन्नाथ को मैंने सुना बेस देखा रथ से देखा भुवनेश्वर घर कितु आसी पारना समस्ते कहे गहली गहली कहते समस्ते मु पुणी शिपड़ी कौद पुणी जगन्नाथ रथ से अच्छा कह तू मत लुगा खंडे दे एमती कहले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा पूरा रथ से जाऊँच मु पूरा दिव्य अनुभूति देखुचे होटेल रही दि मो पाखे सामने जाऊँच मु आसिक थे चढ़ेली मु अच्छी बहुत किसी लुगा दे हाँ दे मात्र छोट बड़ जानी हाँ सी छोट बड़ देखती सी देखती भाव देखती श्रद्धा देखती भक्ति देखती प्रीति देखती तेनाली महाप्रभु से आपन को स्वप्नादेश कहले खंडे लुगा दे आप जिते बी महाप्रभु किसी स्वप्नादेश कर मागिथे आपणकर भाव में पूरण करूँ देखिए निश्चित भाव में एमती तो अनेक अनुभव कथा आप गोटे अनुभव कथा अनुभव कहतुनि सुनावेश ठाकुर को एते कांदे मेन कथा मोर हृदय बहुत जो दिन कांदे मु ठाकुर को डाके कथा है दिन ठाकुर मत पूरा निम गच मूल एत बड़ ई पूरा मत पूरा सब पूरा रूप देखे ठाकुर मत देखते मो आज पर्यटन किसी भूली पारे मु भी बहुत दिन जाए मोर मन रहे मुझे कहीदेली ठाकुर कथा टी कि दिन जाए देखिपारे मोर है माइनस पॉइंट से आ ठाकुर को मु तो सैया जगन्नाथ प्रसाद पाइला दिनचर्या आरंभ करे मोर एटा हूँ कथा बहुत किसी अच्छी आज मो पु भी सबुदिन जगन्नाथ को सका आखि खोल आग पतित पवन से बांग्लोर में जब कर आग पतित पवन दर्शन करुच्चा हजबैंड भी तो सी पुरी रे चाकरी करती कि आम भुवनेश्वर रो रिटायर्ड हैम सब खबर खबर तो कहीदे सब खबर भगवान अच्छा माने पुओटू आरंभ कर स्वामी पर्यंत निज भक्ति आरंभ कर जगन्नाथ भाव पर्यंत सबकिदे कि दिनचर्या आरंभ कर वर्तमान भी कर प्रभु निर्माल्य को पाइक से जो निर्माल्य पुणे 28 वर्ष आपले आपण निर्माल्य मु 28 दिन भी बंद ना से आपुभव करुवे प्रभु कथा न कह प्रभु कथा कहीं कहती आपे कह प्रभु कथा जिते बड़े कहे आ दर्शन कर सुजोग भी मो मोर मो पक्ष हुए बहुत ठाकुर को मानते दारू रे भी मत स्वप्न दे देखे कि कथा मोर असुविधा कहीदे देखे जो निर्माल्य पाँच चिंता कहीं कले भावना कहीं कले सी तो आप मनर कथा कहे निर्माल्य प्रतिदिन पाइबा जो दिनचर्या आरंभ करती कौन किसी अलग अनुभव कर शुणु यहाँ है बापा माँ का प्रेरणा
बापा माँ माँ बापा मोर दिजन जाक बहुत ठाकुर भक्त ये भुवनेश्वर बासिंदा आम चंदनपुर भी घर आ सी भी सबुले खाती निर्माल्य पाती देखादेखी आम पाऊ कि जगन्नाथ प्रति मोर अलग पूरा अनुभूति मुझे निर्माल्य ही आरंभ कै जी मत भावे टी प्रसाद पाई द्वारा मोर मानते जगन्नाथ मो पाखे अच्छा सबुले मुझे आपको कहबी हाउ से कथा अन्य भक्त माने जानिले निर्माल्य पाइबा द्वारा प्रभु पाखरे रुगंति जो दिन निर्माल्य तुंडे टिके रही से हृदय प्रभु रही भाव भक्त जनक पाई बोले सी आपण सम्मुखें आज जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम भक्त अनुभूति प्रकाश करत्य कितु जो निर्माल्य कथा कहते बाप माँ को प्रेरणा पाइले आप निर्माल्य डेली प्रतिदिन पाँच प्रतिदिन पाँच से प्रेरणा निजर पुओ को दे सी मानने केतबेले केमती तार हुए आ सी ठाकुर को डाके मु अभ्यास पकईनि सत कथ मुदी भी पकईदेवी ताकू सब आज भी मुझे गोटे बहुत बड़ चिंतार ठाकुर को मोर ज्वर हो प्रकृत केवे आसीनी यही समय आसीनी अलारनाथ आम जाऊ कि यही समय आसीनी मुझे पटी दि केमी मुझे प्रकृत देखनी मुझे ना मुझे जी पटी दि जगन्नाथ को भी आम ज्वर हो टे देखिकी कथबार्ता आसबि दिह कहते कि न कहते मुझे कहीदेवी सब प्रकृति में यही भाव भावग्राही से केवल भाव को ग्रहण करती बोली भावग्राही से ना स्तुति की ग्रहण करती ना मंत्र को ग्रहण करती ना श्लोक को ग्रहण करती ना द्रव्य को ग्रहण करती से केवल भाव को ग्रहण करती द्रव्य सांगे भाव थी श्लोक सांगे भाव थी मंत्र सांगे भाव थी स्तुति सांगे भाव थी भाव छड़ा से आउ किसी ग्रहण करती जा धन्यवाद देवी आपणकर अनुभूति पाई जय जगन्नाथ टीवी पक्ष गोटे संक्षिप्त पांजीटी आपन को जय जगन्नाथ धन्यवाद आपण को भी बहुत धन्यवाद आपमे आपण को सबले टीवी रे भी देखो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रभु को पाखरे आउरी अनेक भक्त अछंती निश्चित भाव रे सी आसी चंद की आसुची प्रभु को असुस्थता बेले टिके कथा आबो प्रभु कथा होंतु न होंतु मु प्रभु को सहित कथा आइ जी प्रभु सुनिबे आ प्रभु सुनि की मते पछरे कहिबे ये भी भावना रहुची तेणु आसत आउ जे भक्त अच्छा भावना आपण स्वागत करवा से भक्त को अनुभूति हृदय जय जगन्नाथ ना कौन आपण स्वप्न कुमार साहू जनइले भक्त गले स्वप्न सबकि सफलता पाई पुणी महाप्रभु पठेले स्वप्न को आपण ना है स्वप्न ना स्वप्न प्रकाश स्वप्न कुमार साहू कौट आपण मुझे भुवनेश्वर आम घर रणपुर भुवनेश्वर रु मुझे गोटे गणमाध्यम प्रतिनिधि जहाँ गणमाध्यम पाखे अच्छा गणदेवता पाखे अच्छा गणमाध्यम गणदेवता समस्त परिचालित करते किए से विश्व नियंता आई नहीं विश्व नियंता विश्व प्रसिद्ध यात्रा आगु कौन कहले गणमाध्यम अच्छा मुटीवी चाकरी कै आज भी जो आसी जगन्नाथ काम करने ही आसी रथयात्रा स्पेशल प्रोग्राम पे रिपोर्टिंग रे आसी रथयात्रा के दिन रहिला रथयात्रा अमर तो 7 तारीख रे होउछि 14 दिन रहिला ठीक अछि कर्म क्षेत्र को आसी जाइ छथि भलो कथा या भितरे धर्म भावना रहिछि कर्म को त्याग कर देले कर्म समय पळैला और धर्म भावना भितरे पसि गेले बट निज भितरे भगवान को भितरे पसि जबा हि आनंद मिलता है जितेबले निज भितर पशिजे निजुक चिन्हजे आनंद पाई मु कौन आसी कौन करी कौन ना प्रकृत भाव आसीज कौन कहे आज ये भावर कार्यक्रम भावग्राही कथा दीपद अनुभूति समस्ते कौन आपणकर कौन अनुभूति रहा कौ दिन से दिन टी आप मन रखिंट आम भक्त व्यक्त करने मुत गुरुवार दिन आसी पूरी से रिपोर्टिंग कम कि भितर को जापार नी आज जीवार सौभाग्य प्राप्त हैला किंतु अनुभूति कह भी सही दिन अनुभूति मोर ठीक आसवर 15 दिन पूर्व दुईटी जगह हाथ बिंधुला बहुत जोर बिंधुला दुई तीनो जगह डॉक्टर को मत देखली मेडिसिन खाइले कमुला पुणी हो ना मुझे केमती प्रभु जी से दिन भी मेडिसिन नहीं कि आसी बैग्रे मेडिसिन मो साथ आसी कैमेरामैन भाई आसीस्टेंट भाई तुम भी कहते जो हाथ बहुत जोर बिंधुचे केमती कौन काम करवा कि आपड़ विश्वास करें मुझे बड़े पूरी रे गाड़ी पहुँची तापर ठूँ मुझे भूली जाइए मोर हाथ कौन होली यहाँ हूँ मोर बर्तमान अनुभूति से ही कहना चाहेबी जे ठाकुर को टी मु कहीकि आसी घर मुंडिया मारिकी आसी
कहीकि आसती प्रभु आपण काम जाऊँ ही कम करेंगे मुझे जानी कौन हम आकृत में हाथ हि भल हो आज कौन सी असुविधा है ना कम करें यहाँ हूँ बर्तमान अनुभूति की आज प्रकाश कर समस्ते बर्तमान को अनुभव करायत आम अतीत को मन रखा कथा बर्तमान सहित अतीत अतीत को मन रखा भविष्य को चिंता करवा बर्तमान को अनुभव करवा आपण अनुभव कथा कहले बर्तमान अतीत कथा टिके मन पकेले भल लगे आ प्रभुंकर बेसी कृपा अतीत रे हेई थाए कौन से अतीतर घटना गोटे आज जहाँ बर्तमान आसंता काली की तो अतीत हम निश्चय से अतीत अतीतर अनेक स्मृति रही अनेक अनुभूति रही तन्मध्यरु गोटे कह मो बोंकर प्राय सब देह खराब हुए ये मासे तले हठात राति 8टा 9टा बेलू असुस्थ होला हॉस्पिटल नहीं कि गलु मुझे भगवान को डाकि प्रभु बोहू को भल कर दियो बस तापर ही सब ठीक ठाक हो गला एमती छोटमोट अनुभूति भगवान तो छोट अनुभूति दिखती बड़ अनुभूति भी दिखती एमती छोटमोट अनुभूति मोर ये संक्षिप्त जीवन में मु भगवान पाखे छोट बड़ न थाए समानता थाए आम छोट बड़ कर निहाती भाव में सी तो सब ही करती मुझे जहाँ कहती सी मो द्वारा ही कहते मुझे से ही मुझे भावे आेणु आ कौन कह सब अनुभूति मुंकरी मो अनुभव भी तांकरी मो अनुभूति भी तांकरी सब तांकरी से तांको भितरे जते बेले आपण तांको भितरे हजि जांती केबे एमिति क्षेत्र रे काम करथवा बेले केबा कोनोसी रिपोर्टिंग करथवा बेले महाप्रभु केबे भूली देइचंती ना केबे मन भूली जाइतबा कथा को मन पकई देइचंती ना मु आ गोटे कथा कहबी मु जते बेले ओटीवी रे काम करूची मु गोटे प्रोग्राम करूची आपण एका नुहंती से आप भी देखिथे से प्रोग्राम रे अनेक दुखी दरिद्र कथा ही देखा जाए अनेक रोगी को मुझे भेटे मुमती भी होती से घरे पहुँचु पहुँचु से रोगी टी देखु देखु मो आखिर लुह आसी मुझे डाके भगवान कहीं कौन करते कहीं दंड दौरान गत सप्ताह मत मुझी बड़ंगा गोटे रिपोर्टिंग जड़े भाई 28 वर्ष सी पूरी ही आसी गोटे बिल्डिंग चढ़ी कम कला बेले सी पड़गले सेबूर बेक हाड़ भांगी जाइए 18 वर्ष होता पड़गले 28 वर्ष बर्तमान है सेमती से खटरे पड़ते माने ये दुख लगे बेले बेले जना पड़े जो भगवान माया कौन से कहीं एमती करती से भावे जे से दंड क्या न दिंतु प्रभु ये कथा ही मु भगवान को प्रार्थना करे अन्यर दुखरे आप दुखी हवा तो निश्चित भाव से महत्व चिंता कितु कहले भगवान दुख दिखती कहीं प्रभु ये दुख भगवान कौन दुख दिखती भावे अनेक शास्त्र पुराण तो कहे शास्त्र पुराण कहे भगवान दुख दिखते कहे जे निज कर्म ही सब किसी करे आम जहाँ कर्म करुचे बाँ हाथ जो कर्म कराण हाथ के भोगना से हाथ ही भोग कर तेणु भावे जे बोधे किसी पूर्वकर्म कि जहाँ भी था भगवान तो सब दूर करते तेज कहीं दंड दिखती ही मोर प्रश्न से उत्तर पाइबापी आपेक्षा करूँ दंड कहीं भगवान दिंतु प्रकृत दंड कहीं दंड पाइबापी योग्य जी दंड पाँच सी जान ना ना मु कहीं दंड पाँच मुझे भोगुची मोरठू भल आउ कि जानवे कारण मु कौन कर दंड पाँच कौन भोगुची डाण हाथ बाम बाँ हाथ जानु बाँ हाथ डाण हाथ जानु जमती सेमती मुँह कौन करोगुचे मुझे जानी ना ना यहाँ किसी ना से ठीक कथा आम कर्म सब सठिक रहा दरकार ईश्वर विश्वास हाँ आम दरकार आम भल कम हुए तो नक पारू किंतु कह रहा मंद चिंता करानी खराब चिंता आनबानी कह खराब कम करानी ईश्वर विश्वास हो गले खराब प्रवेश करनी जो ईश्वर प्रवेश करे से आलोक अंधकार धन्यवाद देवी आपन को अनुभूति तो रखिंट जय जगन्नाथ टीवी पाखु सिद्धार्थ सिद्धार्थ टेलीविजन नेटवर्क ये चतुर्थ चैनल जय जगन्नाथ संपूर्ण ओडिशार एकमात्र पूर्ण समर्पित महाप्रभु को आप तो जानुथे देखुवे जय जगन्नाथ टीवी देखते आज सका आसला बेले मुझे तो उठिली 5:30 आलराम देखी आसबी रिपोर्टिंग को प्रथम उठिली मुहटा धोई सारिकी आसिक लगे टीवी जय जगन्नाथ टीवी नमिता अग्रवाल मैडम कंठस्वर शुणी मो बो भी निदर उठिले तापर एठ मु बाहर की आसली सबुदिन ही घरे टीवी लगे मु तो प्राय रही पारे नहीं घरे किंतु घरे बो बापा देखते धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रभु पाखे तो सही भक्ति सही भाव रही आम केवल दर्शन रू मिल जाए आम को भक्ति विश्वास भाव कथा आज जड़े भक्ता अच्छा अनुभूति आपण स्वागत करवा
ହୃଦୟର କଥା, ସେଦିନର କଥା, ଅତୀତର ବର୍ତ୍ତମାନର କଥାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ, ତମାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ତମାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ? ଆଜି ଦର୍ଶନ ସରିଛି ପଟି ଦିଅଙ୍କର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିକି 4:30 ପାଇଲି। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁଅକୁ କହୁଛି, ପୁଅ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ପୁରୀରେ, ଭଉଣୀ ଏଠି ଆସିଯିବି ଆଉ ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛି ତୁ ଆସୁନୁ, କାଲିଠୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଦିନକ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଅସୁବିଧାରୁ ଆସିପାରିଲିନି, ପୁଅର ବି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମମି ଆଜି ଯାଇ ହେବନି, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାଇ ହେବନି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଭିଡ଼ ହେବ, ଏମିତି ହେଲା। ତା'ପରେ ଆଜି ସେଠୁ ସକାଳୁ ମୋ ମନଟା ଜମା ବୁଝିଲାନି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋତେ ନେଲୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ମୋର ସବୁବେଳେ 3:30 ରାତିରୁ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଟିଭିଟାକୁ ଲଗାଇ ଦିଏ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବାବା ବି ଲଗାନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଲଗାଏ, ସେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜି ପଟିଦେଉଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆସିକିରି ଆଉଁସି ଦେଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି କେମିତି। ଏମିତି ହେଇକିରି ପୁଅକୁ କହିଲି, ପୁଅ କହିଲି ମୋତେ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ମମି ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି, ଚାଲ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ ଯିବୁ। ଏମିତି ହେଇକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ 1:30 ଆସିଲି ଏଠି, 4:30 ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ, ଆସିକିରି ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁ ଆସେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଯିବୁ ନା, ହଉ ତୁ ଘରକୁ ଆସେ ଆମେ ଯିବା କହିକି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ଅନୁଭୂତି କହିଦିଏ, ମାନେ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି କହିବେ। ଏଥର ଅନୁଭୂତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅନୁଭୂତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି 5-7 ବର୍ଷ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ କାହା ଯିବ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି, ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ମୋ କୋଳରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଯିବ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦେଖିବି। ସେଠୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମିତି କଥା ବି ହଉଥିଲେ ସିଏ, ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଦିନେ କହିଲେ କହିଲେ ସକାଳ ହେଇଛି, ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଏ ଭଗିଆ ମୋତେ ନେଇଯା, ହେ ଭଗିଆ ମୋତେ ନେଇଯା, ମୁଁ କହିଲି ତମ ଭଗିଆ କେମିତିଆ, ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ନା ତୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡରିବୁ, ସିଏ କଳା ହେଇକି ଆସିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ ବସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତମ ଭଗିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା ତୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବୁ, ଏମିତି କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ହଠାତ୍ 3:30 ହେଇଛି, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରେଇ ଦେ, ମୋତେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ, କେବେ ମାଗନ୍ତିନି ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆକୁ କେଉଁ ପାଣି ଦେବି କ'ଣ ଦେବି, ମୁଁ ତ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କେମିତି, ମୁଁ ବି କାହାକୁ ପଚାରିବି କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ହେଇକି ଗଲି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଆଣିଲି, ସେଠୁ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଆଣିଲି, ଜଳରେ ପକାଇକି ତାଙ୍କ ସେଠୁ ଟିକେ ଦେଲି, ତା'ପରେ ସେତିକିରୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ସେଠୁ ଭୋର 4:30-5 ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗଲା, ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଥାଏ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆଉଁସିକି, କେମିତି ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି କି ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି କାହା ଜୀବନ ଯିବାର, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଏତେ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ସିଏ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତ ଅପାର ତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁର ଯାହା ସମସ୍ତେ ବି ଆସିକି ପାଖରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଢ଼ୁଶୁର ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ସେଠୁ 5 ହେଇଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଦେଢ଼ୁଶୁର ମୋର କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକିରି ଆସିବି, ଯେମିତି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରୁମ୍କୁ ପଶିଗଲି, ସେଠୁ ବାପା ବାପା କହିକି ଏମିତି ଆଉଁସିଲି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସତିକି ମୋତେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହଁ ଏଇ ବି ଆସୁ କି ପାଖରେ ବସୁ, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ ଦିନଟା ମୋତେ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା ମୋର ବହୁତ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଜଳ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଟିକେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲିଲେ, ଏସବୁ କାହିଁକି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିଟା ତ ସେଇଥିରେ ଥାଏ ନା, ଆଉ ତ ରାମ ନାମ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସବୁ କିଛି ବି ମାନେ ଆର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସିଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ କିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଏ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବ, ତ
तेणु प्रभु को चिंता करिछंती आपण प्रभु पाखे समर्पित होती आपण प्रभु को भावनार चिंतार रखिंट आपण जो आज भी आसी मैंने ये सत्यरे मत प्रभु नहीं आखक मुझे देखिकी जी मनर कथा जनईबी प्रभु आपण एत कष्ट केमी सुस्थ हो जातु आपण तो निज नीला निजे पार एमती है कि भारी कष्ट मुसीपारि ठाकुर को डोरी लगे मुझे पटिदेव को दर्शन करी हाउ ये समय आसी पटिदेव दर्शन कर प्रभुंर आपणार होगापी जी भी आसे आपणार हुए आत्मीयतार भाव तार प्रकट होता है अनुभूति पाई धन्यवाद देवी गोटे संक्षिप्त पांजीटे आपको जय जगन्नाथ टीवी पक्ष प्रदान करू जय जगन्नाथ प्रभु तो सब लीला लीलामय जिते बड़े लीला कथा आम कह चिंता करवा चिंता सेमती करी रखिता चिंतार किसी पाइबानी कहकर अपार लीला असीम लीला असरती लीला आनेक भक्त अच्छा स्वागत करवा अनुभूति की नहीं आपण प्रकाश करेंगे जय जगन्नाथ ना कौन आउट आसते आप नरेन्द्र पोखरी दिल्ली भंज दिल्ली भंज ना कौन अनुभूति आपले हसुच्च जहाँ महाप्रभु सेमती सदा बेले हसौ था अनुभूति कौन रहा कह भक्त अनुभूति कौन आम आज्ञा कर्म कर जो स्टूडियो चलती कम से सब वीडियो हो ऑडियो हो स्टूडियो चलती आम सार हेले ऑल इंडिया काम ना निश्चित भाव में कर्म कथा आप कहते आम जगन्नाथ भितर को आसवा दर्शन भाव कर्मर भाव ये सब रही था निज अनुभूति कौन है कौदिन कौन घटला धर रथत्र आसती एत भिड़ है जे आखिर लुह बाहरी आसला ठेला पेलार मु मझीरी आसली रथ टाणी पुणी कौन है एत ठेला पेलार मुझे निश्वास नहीं पारे ना मुझे पूरा करू पलि आसली जो आर्मी जन अच्छा सी कह तुम डर जो कहीं भितर जाओ रथ टाण पुणी से निश्वास नहीं कि पुणी आउ थे आसली रथ टाणली मतलब भल लगला तीन रथ टाणली बहुत शांति लगे आज्ञा कई जन जो दुर्बल मानसिकता आसूची डरी जाऊँ आउ जे कि जगन्नाथ स्वरूप ही बल मनर बल उत्साहित करने कह जे कथा भी पशिगले आप गले रथ टाणी रथ टाणी बहुत शांति लगे आज्ञा मुझे घर कथा कहली घर कले सब डोरी आ ठाकुर डोरी हाउ 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 से डोरी था धन्यवाद देवी गोटे पांजी टे नि जय जगन्नाथ प्रभु तो देखुं कि प्रकार के प्रकार भक्त मैंने हृदय रखुं आज जड़े भक्त अच्छा आम स्वागत करवा जी तर अनुभूति आपण अच्छी अनुभूति कार्यक्रम जय जगन्नाथ नमस्कार ना टे कहे कौट आ मो ना सोमनाथ पृष्टि मुझे इंडियन आर्मी में जॉब करुच्ची मुझे पठानकोट रु पठानकोट कौट से मुझे रायगढ़ जिले में पठानकोट हूँ पंजाब रो एक डिस्ट्रिक्ट पठानकोट डिफेन्स अच्छा आज्ञा जाओ ये कर्म को बाछी चिंता करफेन्स किंतु मोर किंतु गोटे मनरे आशा थिला किंतु जगन्नाथ पाखरे एति भक्ति थिला भगवान मु आज पर्यंत मोर जो आशा थिला का कहि नथिली से भगवान जानिथिले और मु जानिथिली से जगन्नाथ जी तापरे मोर गोटे इनसीडेंट होगा खेल रे मोर हाथ अलरेडी जो कांध पूरा भारी पड़ला तापरे मु जान नथिली इंटरव्यू रे केमिति पाई बोली ता पर दिन भगवान को भक्ति कली पूरा मनरे हे जगन्नाथ जी किंतु मुझे सिलेक्शन होगी एत लोक अच्छा किंतु मोर कि भरोसा आसुनी आउ एत कठिन रास्ता को जगन्नाथ महाप्रभु मोप एत आसान करदे मुझे भावन थी मु इंडियन आर्मी आम देश कम करी आम ओडापी बोली ओडार गौरव रखी से हूँ महान भाया भगवान दुनिया कौट ना मु पूरा ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह भ्रमण करी किंतु जगन्नाथ जगन्नाथ पाखे जो भक्ति जी भी श्रद्धार डाकदे आशा भगवान आपण मनरे एमती कर दिखती सबकि दूर हो जाए से होती आमर ओडार जय जगन्नाथ जगन्नाथ जिते बड़े आपण निजर अनुभव कथा कहते कठिन पथ आपण इंटरव्यू बेलर कथा से कठिन रास्ता को सरल रास्ता करदे महाप्रभु आज्ञा आज्ञा मोर हाथ भांगी जाता आज्ञा जो मत अलरेडी जो मत कहले ओपाई मोर हाथ गोटे कम करूना मुझे हे भगवान जगन्नाथ आपण सहबरसार मुझे कितु हाथ मोर जस्ट खसी जाता कितु मुझे नंबर रैंक आणिक देखे थी से टाइम कितु से जगन्नाथ जी पाई मुशपाई आम ओडापी मटीपाई मुशपाई लड़ुची जय जगन्नाथ प्रभु
ସେଇ ଯେଉଁ ବଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଶ ମାତୃକା ସେବାରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଅଚାନକ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଲେରେ କାମ ରହୁଥିଲି ଅଚାନକ ବରଫ ଏରିଆରେ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା ଅଚାନକ ମୋର ପୁରା ଧଡ଼କନ ବନ୍ଦ ହେଇ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ୱାସ ଚୌକ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମାନେ ବରଫ ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ସିନା ବରଫ ଦେଖିବାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାଟା ଯେମିତିକି ଦୂର ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେନି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ବହୁତ ଆସାନ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆସାନ ନାହିଁ ଅଚାନକ ମୋର ହାର୍ଟ କିଛି କାମ କଲାନି ମୁଁ କହିଲି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଅଚାନକ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି କାମ କଲାନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସାହାବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁଇଥର ଜୀବନ ପାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇଥର ଆପଣ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ବରଫରୁ ପାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ଆଜୀବନ ରହିଲା କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନଦୀରେ ଜମ୍ପ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଚାନକ ନଦୀରେ ବହୁତ ମାନେ ଗାତ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଉପରେ କିଏ ଆସି ଗୋଟେ ସାହାରା ଦେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଉପରୁ ଉଠାଇ ଦେଇକି ପଳାଇଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବାଦ ଉଠିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କିଏ ନଥିଲେ ସେଇଠି ପାଖରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ହଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ଭାବ ଥାଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପାଞ୍ଜିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଗତନା ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭଗବାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ସାହାବର୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର କୁହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଥାକୁ ଗାଇବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାମଲ ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ଘର ଯାଜପୁର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ରାଉରକେଲାରେ 20-25 ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାମଲ ରାଉରକେଲାରେ ଯାଜପୁର ଘରେ କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବେପାର ନା ସର୍ଭିସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସିରେ ଆସିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା 2012 2012 ମୋର ସାନ ଭାଇର ଜ୍ୱର ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ ତ ସେଠି ଦୁଇ ଦିନ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ତ କଟକ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲୁ କଟକରେ ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କଟକରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ ତାଳିଭେଟିରେ ତ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲାନି ମାନେ ନାକରୁ ଜୋର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ତ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲକୁ ନେଇଯାଅ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲ ନେଇଗଲୁ ମାନେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲଟାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଭାଇର ଦେହ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେଶୀ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା ଗତି କଲା ପରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସିକି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇକି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ବାହାରେ ବସିଲେ ସବୁ ୱେଟିଂ ଇଏରେ ବସିଲା ପରେ ମାନେ ମୋର ସାନ ବୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିଲେ ଜୋର ମାନେ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେତେବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥାଏ 600 ଟଙ୍କା ଧରିକି ସିଧା କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳାଇ ଆସିଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ 4 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବସ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ବସ୍ ଯିବ କି ନାହିଁ 8:30 ବାଜିଲାଣି ପୁରୀ ଯିବ ନା ଜୀବନ ବାଟରେ କେଉଁଠି ରହିଯିବ ଇଏ ଭାବିକି ଯାହା ବସିଲି ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ସେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ଥାଏ 45 ନା କେତେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ତା ବସ୍ ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ଭରିଗଲେ ବହୁତ ଭରିଗଲା ପରେ ପୁରୀରେ ଆସିକି 11 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲିନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ସିଧା ଏପଟେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଗଲି ସେ ଫେର କିଛି ବାଟ ଫେରିଲା ପରେ ଇଆଡ଼କୁ ଜାଣିଲି ନା ଏ ବାଟ ନୁହେଁ ଏପଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଫେର ଏପଟେ ସେଇଠିକି ଆସିଲି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପହରେ ସବୁ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ପୋଲିସମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ବସିଲି ଆଗରେ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇନି ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଏମିତି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ମାନେ ଉଠେଲା ଯେ ବର୍ଷା ଢାଳିଲା ଢାଳିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏତେ ଜୋର ପାଣି ବାହାରିଲା ମାନେ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ଆଇଲା ଭଳିଆ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗାଲା ଭଳିଆ ହେଲା
सब से भिकारी मैंने जो मैंने सब उठिकी जोता स्टाण्रे मुझे जाए जोता स्टाण पाखे बसली जो पुराणा स्टाण आप जानते थी से बसला से गोटाए बाजिगला घंटाए बर्षा डाला तो गोटाए बेले मुझे कौन करी से कह ना जा चारिकर ये ठाकुर चारिकर बेढ़ा चारिकर बुलिकी दु घंटा खंड बुल रात बेले ठाकुर दर्शन करी आज्ञा बुलिकी ये सिंहद्वार पटर दक्षिण द्वार दे कि पश्चिम द्वार पटर जो नाम संकीर्तन हो जगार पहुँची कौन मन है देख ली दिज संकीर्तन बस जाए पाखे बसीगली तीन जन था तो मुझे जाने मुझे पाखे कीर्तन बसला से बाजिगला तीन टा तीन टा बाजला बेलूर दु घंटा ना के थाए दु घंटा पर आउ दु जन बसवे से बदलिए दु जन बस बाहर सेन टा बाजला मुझे बाहर मुझे ना जाऊँ नरेन्द्र से स्नान करी ठाकुर दर्शन से जड़े व्यक्ति मैंने था महात्मा किए मुझे आज्ञा जापारे से मानते कम बयसर मोर बयसर से मत कहे बाबू बाहर को आस मुह धोला कहे कुआड़े जीव मुझे मुझे जीवी नरेन्द्र स्नान करने को से मो सांगे आसिले आसिकी मुझे टे चाह पीले हाँ कहला हाँ सी कहले दक्षिण द्वार से मौसी चाह दुकान गोटे बुढ़ी थी सी खोली दे साढ़े तीन टाला हाँ चल से दुज सांग कथा आसलु बाटर मत से आसला भितर पचारि पचारि आस कल मुझे आज्ञा मुझे आसती एमती भाईर देह खराब मुझे कटकर ना तुम भाई तो भल हो कहीं व्यस्त हो गला तुम चिंता करना भाई ठीक है तुम ठीक जगह पलि आ सेठ चाह पील पीलापुर मत कह मुझे ब्राह्मण आईसा दे दिली कह ब्राह्मण को सका सका दान कल तुम बहुत पुण्य हम आ नरेन्द्र को चल मुझे तुम सागर जी से दुज सांग गलु से नरेन्द्र में मुझे जो स्नान करें सी कह ना ना मुझे करी मुझे स्वत गंगा करी मत पूरा जगिक ठिया है मुझे स्नान कल मो सांगे सांगे आसिले आसिक सिंहद्वार पाखे से मानते राति पाई सारे छटा पाखापाखी मत मुझे ठाकुर दर्शन कलापर टे डाकिली मंदिर कह ना मुझे तो स्नान करी स्वतंत्र तुम मंदिर भेट करी तुम्हें जाओ आन मन भाविली मानते जलखा फलिका टे था कौन कर ब्राह्मण लोक आए ठाकुर दर्शन करें एमती मो मुंड किसी पशि पाला ठीक से जितेबाला घटना घटापर जो गले दर्शन सारे भाई अवस्था ना दर्शन सारिकी मुझे जाए सन्ध्याल पहुँचला भाई ठीक है से अबड़ा खाई अबड़ा नहीं गली आपर तक मंदिर जितने मत कह भेट हवा आ मंदिर भितर मुझे पूरा दसटा एगारटा पर्यटन बुलिली जिते खोजिले आईबे भगवान को सेमती खोजते सेम हाउ धन्यवाद देवी आपण सुंदर अनुभूति टे गोटे संक्षिप्त पाजी टे घर पर भाई प्रभु को आपंट अनुभव पाई से बड़ कथा धन्यवाद जय जगन्नाथ प्रभु पाखे तो अनेक भक्त आसी था प्रभु को खोजापी कि प्रभु देखा देवे अंतर ध्यान क्या कोई धरा देना प्रभु दर्शन देखते धरा देवा कठिन हो जाए से दृढ़ता से भक्ति थे महाप्रभु चरण आश्रित हो पार अनुभूति कार्यक्रम रखापी समय कहला परवर्ती कार्यक्रम विद्वान पंडित मानक व्याख्या व्यक्त करेंगे आज विषय वस्तु को नहीं जावा पूर्व आम कह जाना कौन अनुभव करवा कौन ना कार्यक्रम सूचना कौन कौन कार्यक्रम रहुची सिरा प्रसारण माध्यम कार्यक्रम सूचना जीवा पूर्वर थरुटे कह प्रभु नाम जय श्री जगन्नाथ एवं समस्ते कि कह कहतु जय श्री जगन्नाथ हृदय सर्वदा कहतु प्रभु मो जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ।